हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं ये नहीं पूछूंगी कि कैसे हैं आप लोग, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब लोग बहुत प्रसन्नचित हैं, बहुत स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बड़ों के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा में। और आज हम कराएंगे तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से एक बहुत ही मनोरंजक पाठ, जिसे पढ़कर जिसे सुनकर सचमुच में आपका बहुत अच्छा मनोरंजन होगा और बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रहे हैं। कौन सा पाठ? पाठ 4, जिस पाठ का नाम है जादुई वृक्ष। जी हाँ, जादुई वृक्ष। उपर्युक्त चित्र राजा चंद्रगुप्त और राजा हरिश्चंद्र के हैं। इन राजाओं द्वारा इनके भविष्य में न्यायपूर्ण, मतलब ये बहुत ही न्याय करते थे, ये किसी के साथ इनजस्टिस, अन्याय नहीं होने देते थे, राजा हरिश्चंद्र और राजा विक्रमादित्य। तो पाठ प्रवेश। सत्य को अधिक समय तक छुपाया नहीं जा सकता, वह किसी भी तरीके से एक समय पर सामने आ ही जाता है, इसलिए सत्य बोलने पर हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक चित्र देखते हैं। इस चित्र में बच्चों आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है इस चित्र में? एक राजा बने हुए हैं और एक उनके साथ कौन है, ये मंत्री है। जी हाँ, तो प्राचीन समय की बात है कि भारत में एक राजा शासन करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। पड़ोसी देशों के शासक उससे भय खाते थे, यानी डरते थे। राजा ऊंचा, लंबा, हृष्ट पृष्ट व्यक्ति था। उसे देखते ही अच्छे अच्छे शूरवीर भय से कांपने लगते थे। परंतु राजा अत्यंत न्यायप्रिय तथा दयालु स्वभाव का था। उसकी प्रजा हृदय से उसका आदर करती थी। राजा के सिर पर कंधों तक लटकते केश देखने में अत्यंत शोभनीय प्रतीत होते थे। उसके ऊपर जब राजा मुकुट पहन लेता था तो उसके सुंदर व्यक्तित्व को चार चांद लग जाते थे। चार चांद मतलब वो सुंदर था, और चार चांद मतलब और सुंदर लगने लगता था। परंतु इन केशों के भीतर एक अप्रिय भेद छिपा था। अप्रिय मतलब जो अच्छा नहीं लगता, वो वाला राज छिपा था, जिसे राजा के अतिरिक्त राजकीय वृद्ध नापित ही जानता था। नापित मतलब जो बाल काटने वाला होता है, उसको बोलते हैं नापित। वह भेद यह था कि राजा के कानों के पीछे दो छोटे छोटे सींग थे, जो उसके केशों के नीचे छिपे रहते थे। राजा के बचपन से ही वह नापित उसके केश काटता चला आ रहा था। उसने राजा का ये अप्रिय रहस्य किसी को नहीं बताया था। दुर्भाग्यवश उस वृद्ध नापित का अचानक देहांत हो गया। अब उसी नापित के पुत्र को राजा के केश काटने हेतु नियुक्त कर दिया गया। परंतु नियुक्त करने से पहले राजा ने उसे एकांत में शपथ देकर वचन ले लिया कि वह अपने पिता की भांति राजा के सींगों का रहस्य केवल अपने तक ही सीमित रखेगा। नापित ने राजा को वचन तो दे दिया, परंतु उसका स्वभाव अपने पिता से सर्वथा भिन्न था, मतलब अपने पिता से अलग था। उसमें दूसरों के रहस्य को अधिक समय तक छिपा कर रखने की क्षमता नहीं थी। मतलब उसके अंदर वो नहीं था कि वो किसी के बात को बहुत टाइम तक अपने पास छिपा के रख ले। अब क्या हुआ? नया नापित एक वर्ष तक राजा के केश काटने हेतु जाता रहा। किसी न किसी प्रकार उसने राजा के सींगों का रहस्य अपने भीतर छिपाए रखा। परंतु धीरे धीरे उसे बेचैनी होने लगी। उसको लगा, मैं किसको बताऊं, मैंने एक साल तक तो रख लिया, लेकिन उससे बेचैनी होने लगी। राजा का भेद उसके लिए तीक्ष्ण उदर पीड़ा के समान, मतलब उसके पेट में दर्द होता रहता था कि क्या करूं। तीक्ष्ण उदर पीड़ा के समान बन चुका था, जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। मजा आ रहा है ना? अच्छी लग रही है ना कथा? अब सुनो आगे क्या होता है। परंतु राजा द्वारा दिए जाने वाले दंड का भय भी, कि राजा को अगर मैंने बता दिया किसी को तो उसको ये भी डर लगता था कि कहीं राजा मेरे को दंड ना दे दे, उसके सिर पर एक तलवार की भांति लटक रहा था। अतः चिंता नापित को घुन की तरह खाए जा रही थी। मतलब ये भी चिंता थी कि मैंने अगर बता दिया तो राजा तो मुझे छोड़ेगा नहीं। एक दिन नापित रात को अपने बिछौने पर लेटा हुआ था। राजा के भेद से छुटकारा पाने हेतु
विचारों में डूबा हुआ था कि उसे एक क्या हुआ, उसे एक युक्ति सूझ गई। उसने सोचा कि वन में जाकर किसी वृक्ष को ये भेद बताकर इसके बोझ से छुटकारा पाना संभव था। इस प्रकार ना तो भेद किसी अन्य व्यक्ति तक जाने का भय था, ना ही राजदंड का। अतः अगले दिन नापित सुबह सवेरे, अब अगले दिन देखो वो गया, सुबह सवेरे उठकर वन की ओर चला गया। चलते चलते वह वन के मध्य तक जा पहुंचा तथा एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने उसी वृक्ष को राजा का भेद बताने का निर्णय ले लिया। उसने सोचा कि और तो किसी को मैं बता नहीं सकता, चलो मैं इस पेड़ को ही बता देता हूँ, और वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया। अतः वह पेड़ की ओर मुख उठाकर नापित उच्च स्वर में बोला, हमारे राजा के केशों में छुपे हुए दो छोटे छोटे सींग हैं, हा 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 हा। ऐसा करने से नापित को राहत का अनुभव हुआ और वह वापस घर लौट आया। वह प्रसन्न था कि उसने राजकीय रहस्य के कारण हुई पीड़ा से छुटकारा पा लिया था, परंतु भाग्य को तो कुछ और ही स्वीकार था। अब क्या हुआ, वह वृक्ष जिसे नापित ने राजा का रहस्य बताया था वह जादुई वृक्ष था, मतलब वो जादू का पेड़ था। अतः वह सुना हुआ भेद उसकी शाखाओं की लकड़ी में प्रवेश कर गया, मतलब वो आवाज़ जो थी नापित की, वो जो आवाज़ जो थी वो लकड़ी के अंदर प्रवेश कर गई। और कुछ दिन पश्चात एक लकड़हारा उस पेड़ की एक शाखा काटकर उसकी लकड़ी बेचने हेतु बाजार में चला गया। उससे वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले ने खरीद ली और कुछ ही दिनों में लकड़ी से एक सुंदर ढोल बनाकर वह उसे बेचने हेतु राजधानी के बाजार में गया। जब ढोल वाले ने ग्राहकों को आकर्षित करने के हेतु वह ढोल बजाकर दिखाया तो उसमें से आवाज़ आई, हमारे राजा के केशों में छुपे दो छोटे छोटे सींग हैं, हा हा हा। सब लोग ढोल के भीतर से आ रहे इन शब्दों को सुनकर दंग रह गए। भय के मारे कोई भी उस ढोल को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। होते होते ये बात राजा के कानों में भी जा पहुंची। राजा विस्मित भी था तथा क्रोध भी आ रहा था उसे। उसे ढोल के द्वारा सींगों के रहस्योद्घाटन की बात समझ में नहीं आ रही थी। अतः ढोल वाले से पूछताछ की गई। उसने बताया उसने ढोल बनाने हेतु लकड़ी एक लकड़हारे से खरीदी थी। लकड़हारे को बुलाकर कड़ी पूछताछ की गई तो उसने क्या बताया, उसने पेड़ से लकड़ी काटकर लाने की बात बताई। अंततः नापित को अत्यंत कड़े दंड की धमकी देकर पूछा गया तो उसने सत्य उगल दिया, यानी उसने बता दिया। मेधावी राजा समझ गया कि वन्य पेड़ अवश्य कोई जादुई पेड़ था। अतः राजा ने सारी बात पर गहनता से विचार किया तो उसे कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं दिखाई दिया। वह समझ गया कि नापित भी निर्दोष था, क्योंकि उसने सींगों का भेद किसी अन्य व्यक्ति को ना बताकर केवल एक वृक्ष को ही बताया था। लकड़हारा तथा ढोल बनाने वाला तो थे ही निर्दोष, क्योंकि वे भी जादुई वृक्ष की वास्तविकता से अनभिज्ञ थे। राजा के सींगों का भेद तो खुल चुका था, अतः न्यायप्रिय राजा ने तीनों व्यक्तियों को क्षमा कर दिया। यही नहीं, उन्हें उचित पुरस्कार भी दिए और राजा द्वारा न्यायपूर्ण निर्णय किया गया। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कथा, और मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा कि राजा कितना अच्छा था। उसने किसी को भी दोष नहीं दिया, किसी को दंड नहीं दिया, बल्कि उसने देखा कि इसमें तो किसी का भी कोई दोष नहीं है, तो उसने सबको क्या किया, उसने सबको पुरस्कार दिया। और अब हमारे हैं बच्चों कठिन शब्द पर, प्राचीन, शोभनीय, एकांत, आकृष्ट, शासन, व्रत, क्षमता, विस्मित, शक्तिशाली, नापित, तीक्ष्ण, रहस्योद्घाटन, हृष्टपुष्ट, रहस्य, युक्ति, वास्तविकता, न्यायप्रिय, दुर्भाग्यवश, निर्णय, पुरस्कार, स्वभाव, नियुक्त और अनुभव। और अब है शब्दार्थ, हृष्टपुष्ट यानी डिलडौल वाला, व्यक्तित्व, शारीरिक शोभा, शोभनीय, शोभायुक्त, निहित, छिपा हुआ, नापित, नाई, क्षमता, योग्यता, नियुक्त, नौकरी पर रखना, शपथ, कसम,
युक्ति उपाय तीक्ष्ण तीखी, उदर पीड़ा यानी पेट दर्द, दुखद दुखदाई, राहत छुटकारा, आकृष्ट अपनी ओर खींचना, गहनता गहराई, रहस्योद्घाटन भेद खोलना, मेधावी बुद्धिमान, प्रशंसा सराहनीय या सराहना, अनभिज्ञ अनजान और भूरी भूरी मतलब बार बार। अभी हमने करे शब्दार्थ और अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्रश्न उत्तर। राजा का व्यक्तित्व कैसा था? राजा एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। राजा के विषय में अप्रिय रहस्य क्या था? राजा के विषय में अप्रिय रहस्य था कि उसके कानों पर दो छोटे छोटे सींग थे। रहस्य सुनने वाला पेड़ कैसा वृक्ष था? रहस्य सुनने वाला एक जादुई वृक्ष था। सींगों का रहस्य खोलने का दंड किसे मिला? सींगों का रहस्य खोलने का दंड किसी को नहीं मिला। अब हमें सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। राजा शारीरिक रूप से था हृष्टपुष्ट, अत्यंत निर्बल, सामान्य लाचार। शारीरिक रूप से हृष्टपुष्ट था। वृद्ध नापित, दूसरों का रहस्य छिपाने में था। अक्षम सक्षम व दोनों या इसमें से कोई नहीं। वृद्ध नापित दूसरों के रहस्य छिपाने में था सक्षम। युवा नापित दूसरों के रहस्य छिपाने में अक्षम या सक्षम या दोनों या इनमें से कोई नहीं। वह था दोनों, अक्षम भी था और सक्षम भी था। लकड़हारे द्वारा काटा गया वृक्ष था साधारण, विशेष, जादू या शक्तिशाली। वह वृक्ष था जादुई। न्यायप्रिय राजा ने क्षमा कर दिया नापित को, लकड़हारे को, तीनों व्यक्तियों को या ढोल बेचने वाले को। राजा ने क्षमा कर दिया तीनों व्यक्तियों। और अब चल रहे हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति पे, जिसमें सबसे पहले है पड़ोसी देशों के राजा, उसकी प्रजा उसका आदर करती थी हृदय से। नया नापित एक वर्ष तक राजा के केश काटने हेतु, अगले दिन नापित सुबह सवेरे उठकर वन की ओर चला गया। राजा समझ गया कि वन्य पेड़ अवश्य ही कोई कैसा पेड़ है, जादुई पेड़ है। तो हमने क्या कर दिए बच्चों, हमने ये रिक्त स्थान पूरे कर दिए। और अब हम चल रहे हैं वाक्यों के सामने सही या गलत चिन्ह लगाने हमें। तो सबसे पहले है राजा बहुत ही शक्तिशाली परंतु दयालु था, बिल्कुल सही। प्रजा राजा से सदैव अप्रसन्न रहती थी, जी नहीं, प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था, जी हाँ, राजा बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। राजा के सींगों का रहस्य किसी को ज्ञात नहीं था, जी नहीं, राजा के सींगों का रहस्य किसी को भी ज्ञात नहीं था। वृद्ध नापित ने राजा के कानों का रहस्य उजागर, जी नहीं, वृद्ध ने नहीं बल्कि उसके पुत्र ने राजा के सींगों का रहस्य उजागर कर दिया था। जादुई पेड़ से रहस्य ढोल में पहुंच गया, जादुई पेड़ से रहस्य ढोल में पहुंच गया, बिल्कुल सही। राजा ने रहस्य खुलने पर दोष नापित पर लगाया, उसने किसी पर दोष नहीं लगाया, गलत है। अंत में राजा के निर्णय से, निर्णय ने प्रजा का मन जीत लिया, बिल्कुल सही, राजा के निर्णय ने प्रजा का मन जीत लिया था। और अब हमसे पूछा जा रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। राजा का व्यक्तित्व कैसा था? राजा का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। राजा के विषय में अप्रिय रहस्य क्या था? राजा के विषय में अप्रिय रहस्य था राजा के कानों के पीछे दो छोटे सींग थे। दोनों नापितों में क्या अंतर था? दोनों नापितों में था, जो वृद्ध था, जो वृद्ध नापित था, उसको वो रहस्य को अपने अंदर रखने में सक्षम था, लेकिन उसका पुत्र जो नापित था वो जो था उससे कुछ कोई भी चीज़ बहुत टाइम तक अपने अंदर रहस्य को छुपा नहीं सकता था। सींगों का रहस्य युवा नापित क्यों ना छिपा पाया? क्योंकि उसके आदत नहीं थी, वो किसी रहस्य को बहुत टाइम तक अपने अंदर छिपा के नहीं रख सकता था। युवा नापित ने सींगों का भेद किसे बताया? युवा नापित ने सींगों का भेद एक जादुई पेड़ को बताया, जादुई वृक्ष को बताया। नापित द्वारा बताया गया रहस्य पेड़ किसके पास गया?
नापित द्वारा बताए गए रहस्य पेड़ से लकड़हारे के पास गया। लोगों के समक्ष सिंहों का रहस्य किसने खोला? लोगों के समक्ष सिंहों का रहस्य ढोल ने खोला। तो ये हमने करे थे प्रश्न उत्तर, और इसके साथ हमारा ये बहुत ही मनोरंजक पाठ जादुई पेड़ समाप्त हुआ, और आशा करती हूँ आपको भी यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। आभार।